कहते हैं कि जल ही जीवन है। इस कथन को वही समझ सकता है जो हर दिन पानी के लिए कठोर संघर्ष करता है, खासकर पीने के पानी के लिए। ये है हरियाणा का नूह जिला, जहां के गांव कभी पानी के इसी संघर्ष से जूझ रहे थे। अपनी प्यास बुझाने के लिए हर दिन लोग मीलों चलते, खासकर युवतियां और महिलाएं। नतीजा, लड़कियों का स्कूल छूट रहा था और महिलाओं का ज्यादातर समय हर दिन पानी के इसी संघर्ष में लीन हो जा रहा था। लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, मुफलिसी बढ़ने लगी और परिवार उजड़ने लगे। तरुण भारत संघ, जिन्होंने राजस्थान के कई सूखे जिलों को पानी की बहुमूल्य सौगात दी है, मेवात क्षेत्र के नूह जिले में भी एसबीआई कार्ड्स पहल के साथ मिलकर लोगों के घरों के आसपास पेयजल टांका बना रहे हैं। धरती के अंदर पानी था, खारा था, इन्हें पीने का पानी चाहिए। बारिश के पानी को पकड़ के धरती के पेट में रखना जरूरी है। धरती के पेट में जब पानी होता है तो उसे सूरज चोरी नहीं कर सकता। मेवात की जो जहाँ मिट्टी है वो ऐसी है, रेतीली मिट्टी है, तो मेवात की रेतीली मिट्टी में पानी बारिश आई नीचे चला जाता है और उनको पीने का पानी चाहिए, तो हमने उनके लिए टांके बनाए। जहाँ कभी पानी की एक बूंद के लिए लोग मीलों चल कर जाते थे, आज वहाँ 100 से भी ज्यादा पेयजल टांके मौजूद है, जिनकी क्षमता 17,000 लीटर है, जिसमें से कोई भी कभी भी अपने लिए पानी निकाल सकता है। इन पेयजल टांकों से करीब 600 परिवार प्रभावित हुए हैं और करीब 3,700 सदस्य इन टांकों से पानी पी रहे हैं। तरुण भारत संघ, जो समुदाय में बेहतर बदलाव लाने के लिए समुदायों की मदद से ही काम करता है, घर घर पेयजल टांका बनाने के लिए भी तरुण भारत संघ ने पहले समुदायों को इस योजना में शामिल किया, फिर चाहे वो लोगों का आर्थिक अनुदान हो या फिर श्रमदान। पीने के पानी को पाने की इस योजना से लोग जुड़ने लगे, पर सफर चुनौतियों भरा रहा। बहुत सारे परिवार इतने गरीब हैं कि वो जो अंशदान है उसको जुटा पाना उनके लिए मुश्किल होता था, लेकिन उसमें भी हमने जब उनके साथ मिलकर उनके अन्य जो रिश्तेदार हैं, हमने उनको भी कहीं ना कहीं उतना प्रेरित किया कि उन्हें लगने लगा कि ये समाधान जो है ये इससे उनकी एक ऐसी समस्या का समाधान होगा जिससे उन्हें रोजाना झेलना पड़ता है। पानी की समस्या और उसके समाधान में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तरुण भारत संघ ने शिविरों, शैक्षणिक भ्रमण और रैलियों का आयोजन किया, साथ ही प्रेरक दीवार लेखन किया और लोगों को, खासकर महिलाओं को, इस योजना से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। जब हम इनके बीच में गए तो फिर हमने इनको, पहले तो हमारा जो फिजिकल काम हुए थे पानी के, जल संरक्षण के, वहाँ जो और खेती में बदलाव हुआ था, तो वहाँ का विजिट कराने के बाद फिर हमने करौली का काम दिखाया इनको, तो फिर इनके धीरे धीरे समझ में आया और ये हमसे जुड़ने लगे। पेयजल टांका बनने के बाद जब पानी घर घर पहुँचा तो बदलाव साफ नजर आने लगे, खासकर महिलाओं की स्थिति बेहतर हो रही थी। अब वो अपना समय अपने जीवन को बेहतर करने में लगा रही थी। स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ने लगी, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था, आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी, खेती के साथ साथ पशुपालन भी बढ़ने लगा। इन टैंकों में हर महीने एक टैंक की मदद से पानी भरा जाता है, जो साफ, सुरक्षित और पर्याप्त होता है लोगों के लिए। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पानी को प्रयोग में लाते हैं और टांकों में पानी खत्म होते ही पानी के लिए खबर पहुंचा दी जाती है। मेवात के पाठकोरी गांव की अर्जिना अपने पति के साथ मजदूरी करती है ताकि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। पहले इनका ज्यादातर समय पानी की तलाश में जाता था, पर अब ऐसा नहीं है। 2-3 किलोमीटर चले जाते थे तो वहाँ पानी के लिए कम से कम 2-3 घंटे लग जाते, टाइम हमारा बहुत बर्बाद होता था। रात के 2 बजे तो 2 बजे खड़े होकर जाते पानी के लिए जी। अब सबसे कीमती तो हमारा टाइम है, जो वेस्ट होता था वो बच रहा है।
बच्चे स्कूल पे जा रहे पढ़ने के लिए, हम अपने मजदूरी टाइम पे कर रहे हैं, चैन की नींद सो पा रहे हैं, तो हमें इससे तो बहुत लाभ हुआ है। मैं सिलाई भी करती हूँ, मेरे गांव में स्वयं सहायता समूह के जो ग्रुप है मैं उनकी देखरेख भी करती हूँ। समय बचता तो अर्जिना इसी पानी से अपने छोटे से बगीचे में खेती भी कर लेती हैं और सब्जियां उगाकर अपनी रसोई की रोजमर्रा की जरूरत अपने इसी बगीचे से पूरा कर लेती हैं। शुरू में एक टैंक बना तो उसमें सब महिलाएं इकट्ठी हुई, सबने अपनी अपनी वो रखी कि मैडम आपने एक टैंक तो बनवा दिया हमारे गांव में, इससे तो हमें सुख हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे गांव में और बने। उस चीज़ से फिर धीरे धीरे उनको फ़ायदा दिखने लगा कि भाई बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद के घर के खर्चा आराम से चला पाती हैं। मेवात के पाटकोरी गांव की मिस्किना का जीवन भी पेयजल टांका ने बदला है। मिस्किना घर में अकेली कमाने वाली है, बच्चों की परवरिश के साथ साथ बीमार पति की देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। पहले पानी लाने में दिन का ज्यादातर समय बीत जाता था, जिसके कारण ना ही ये बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाती थी और ना ही सिलाई का काम, जो एकमात्र जरिया है इनकी आमदनी का। पूरी पूरी रात कहा तो पानी पे चले रहे, कहा तो सांझ को जा रहे, कहा तो बालकन खाना बिना बनता टेंट पे पानी नहीं भरने देते थे, भांडे फेंक देते थे। अब इतना फायदा हो गया, अपने घर में सारी दिक्कत परेशानी हट गई, तो अपना घर को खर्चा पानी आई में चल रो मशीन मशीन। घर में ही कुछ वो दूसरा बिजनेस के तौर पे भी काम करने लगी, जैसे मजदूरी तो जाती हैं, उसके साथ साथ वो सिलाई करने लगी हैं, दूसरा बकरी पालन करने लगी हैं, और गाय में भी दूध में भी बढ़ोतरी हुई है, तो बच्चों को समय से दूध और सब चीजें मिलने लगी हैं। मेहरम खेती और पशुपालन करती है जो पूरी तरह पानी पर निर्भर है। पहले ना सिर्फ मेहरम बल्कि उनका पूरा परिवार पानी की तलाश में दिन भर भटकते थे, जिसकी वजह से वो अपने खेत और पशु को समय नहीं दे पा रहे थे। हम टैंक से पानी दूर दूर से लाता, रात में दुनिया आराम करती हम पानी को भर के लाता, खेतन में बिजली चलती उधर से लाता, कोई भरन दे कोई ना भरन दे, कोई भगा दे बर्तन भांडा न फेंक दे, अपना बोर हो तो उसमें से भर भी ले, दूसरा का बोर है तो भाई मनमानती काम है। जब हमारी बेइज्जती और अब हमारी इज्जत, आपने टैंक बना लिया तो पैसा खर्च करके अपना टैंक सुविधा कर सकते हैं। हमारी खेती बाड़ी पशुपालन सब ये पानी से हमारी सहूलत है। एक कुंडो हमारा तो पांच परिवार को पानी पीता। हाँ, इन टांकों से मेहरम अपने पशु के पानी की जरूरत को भी पूरा कर पाती हैं। घर घर पेयजल टांका बनने के बाद मेवात के गांव में एक अध्ययन के आंकड़ों से इस योजना को और भी बल मिल रहा है, जो ये बताते हैं कि करीब 80% महिलाओं को कमर दर्द से छुटकारा मिला है, 60% घरों में हैजा और बुखार जैसी होने वाली बीमारियों में कमी आई है, करीब 20% घरों की बच्चियों के स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है, और करीब 60% परिवार अपना बचा हुआ समय अन्य आजीविका के स्रोत की गतिविधि में लगा रहे हैं, पुरुष खेती और पशुपालन में अपना समय दे पा रहे हैं। ये इस तरह के और कई सारे उदाहरण हैं जो धीरे धीरे अब हमारे सामने भी प्रभाव के रूप में निकलते आ रहे हैं, जिनकी शायद हमने जब शुरुआत में जब ये क्रांति की शुरुआत हुई थी जल क्रांति की, तब इनकी अंदाजा भी नहीं था। जब भी एक एक घर में एक एक टांका बनता जा रहा है तो वो खिलखिलाती मुस्कुराहटें जो हैं बच्चियों के मुँह पर, उन बहनों के मुँह पर जिनको रोजाना सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, वो मुस्कुराहट ही है जो हमारी रोज की प्रेरणा है। पेयजल टांका न सिर्फ परिवारों की आज की स्थिति सुधार रहा है बल्कि उनके पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेगा, जो आने वाले कल में एक सुखी, प्रगतिशील और समृद्ध भारत में अपनी सांस लेगा।